दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का सेक्शन एलगी एलगी आपके बॉटनी के सेक्शन का काफ़ी ब्रॉड एरिया कवर करता है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके डिजिटी बायोलॉजी के सेक्शन में देखने को मिलते हैं तो अगर आप भी डिजिटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप चाहते हैं टी जी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेशन को अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी टी जी बायोलॉजी की प्रपरेशन कर रहे हैं अगर आप हमारे द्वारा दिया गया पी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपने पहले कभी टेलीग्राम यूज़ नहीं करा है तो आपको जस्ट ये करना है कि आप प्ले स्टोर में जाइएगा प्ले स्टोर में जा कर के आपको टेलीग्राम लिखना है सर्च बॉक्स में और वहाँ पर आपको फिरोज़ी कलर का एक आइकॉन दिखेगा गोल सा जिस पर आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है टेलीग्राम को और उसके बाद जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे और उसके बाद जब क्लिक करिएगा तो वो आपको ले जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे आपको आ, हमारे चैनल चान, पे जुड़ने के लिए नीचे एक ऑप्शन देगा ज्वाइन तो उसे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के साथ में ऐड हो सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गर्स जो क्लासिफिकेशन है कई सारे जो फाइकोलॉजिस्ट थे फाइकोलॉजिस्ट मीन्स ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी किया था एल के ऊपर फाइको मीन्स होता है एल और लॉजी मीन्स होता है स्टडी तो ऐसे सारे बुद्धिजीवी जिन्होंने एल के बारे में स्टडी की तो फाइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एलगी को कई सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था यानी क्लासिफाई किया था मगर मोस्ट जो ऑथेंटिक माना जाता है वो स्मिथ का है इसलिए हम यहाँ पे स्मिथ की स्टडी करेंगे स्मिथ ने जितने भी टाइप्स में जितने भी कैटेगरीज में कैटेगराइज़ किया था एल को और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा कैटेगराइजेशन है यानी यहाँ पे उन्होंने सात कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था पर इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम्स में बात करी जाती है जिन क्लासेस के बारे में उनके बारे में भी हम आ, इक्वली डिस्कशन करेंगे यहाँ पर क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आता है ये आप भी नहीं जानते तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाए इसलिए हम उसको भी इक्वली इम्पॉर्टेंस देंगे यहाँ पर तो चलिए बात करते हैं स्मिथ के क्लासिफिकेशन के बारे में तो स्मिथ जो कि एक फेमस फाइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सात डिविजन्स में डिवाइड किया था किसको एल्गी को ठीक है और ये जो डिविजन्स थी उनकी उन्होंने आगे चल के इनको फर्दर जो क्लासेस थी उनमें डिवाइड किया था ठीक है तो ये डिविजन्स क्या थे स्मिथ ने सात जो डिविजन्स थे उनमें डिवाइड किया था एलगी को पहला था क्लोरोफाइटा दूसरा था क्राइसोफाइटा तीसरा था पायरोफाइटा और चौथा था यूग्लिनोफाइटा देन फियोफाइटा और देन रोडोफाइटा और लास्ट था साइनोफाइटा इसके अलावा उन्होंने दो और जो डिविजन्स थी दो और कैटेगरीज जिन्होंने जिसमें उन्होंने डिवाइड किया था लेकिन इन सभी के बारे में उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए उन्होंने इन दोनों को यानी कि क्लोरोमोनाडेल्स को और क्रिप्टोफाइसी को अलग सी कैटेगरी में रखा क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कई सारे से प्लांट्स थे जिन्होंने जो एलगी से रिजेम्बल कर रहे थे लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस वजह से इन्होंने कुल सात टाइप्स में कैटेगराइज़ किया था एल्गी को ठीक है तो ये था आपका मोस्ट ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी चलिए आगे बढ़ते हैं ये है एक चार्ट जो आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि इन विच डिविजन्स एलगी आर डिवाइडेड ठीक है एलगीज़ आर डिवाइडेड पहला है क्लोरोफाइटा सेकेंड है फियोफाइटा थर्ड है पायरोफाइटा और फोर्थ है क्राइसोफाइटा और नेक्स्ट है रोडोफाइटा और लास्ट है यूग्लिनोफाइटा तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफाइटा की तो क्लोरोफाइटा मींस इसके अंदर जो ऑर्गनिल होता है फूड प्रिपरेशन के लिए वो होता है क्लोरोप्लास्ट ठीक और इसी के कारण इसका नाम है क्लोरोफाइटा क्योंकि ये ग्रीन एलगी की कैटेगरी मानी जाती है तो ग्रीन एलगी को फर्दर पांच क्लासेस में डिवाइड किया गया था पहला है क्लोरोफाइसी नेक्स्ट है कैरोफाइसी नेक्स्ट है माइक्रोमोनाडोफाइसी और नेक्स्ट है प्लुरोट्रोफोफाइसी और लास्ट है यू अल्वोफाइसी ठीक है नेक्स्ट है फियोफाइटा फियो मीन्स होता है जो ब्राउन पिगमेंट होता है उसे कहा जाता है और फाइटा मीन्स होता है प्लांट तो ब्राउन एल्गी या ब्राउन कलर जो एल्गीज होते हैं उन्हें हम फियोफाइटा जो जनरल नेम है उसे बुलाते हैं ठीक है इसको फर्दर जो ऑर्डर जो क्लासेस थी उसमें डिवाइड किया गया था तो फी ओफाइसी क्लास में इसे डिवाइड किया गया था और इसी फी ओफाइसी को फर्दर और ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया पहला है एक्टोकारपेल्स दूसरा है कॉर्डिय कॉर्डेरियल्स नेक्स्ट है डिक्टिओसिफोनेल्स नेक्स्ट है साइटोसिफोनेल्स नेक्स्ट है डिक्टियो डिक्टियोटेल्स और नेक्स्ट है डेस्मारेस्टियल्स नेक्स्ट है लैमरेनियल्स और लास्ट है फ्यूकेल्स उसके बाद पायरोफाइटा पायरोफाइटा जिसे डाइनोफ्लैज़्स के नाम से जाना जाता है इसे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था डायनोफाइसी और एडिनोफाइसी फिर डायनोफाइसी को एक और ऑर्डर में डिवाइड किया गया जो है पैरीडी पैरी और एडिनोफाइसी को फर्दर ऑर्डर एक दिया गया जिसका नाम था प्रोरोसेंट्रियल्स ठीक है नेक्स्ट डिवीजन पे आते हैं नेक्स्ट है क्राइसोफाइटा तो क्राइसोफाइटा को जिसे हम जनरल एक नेम बुलाते हैं डाई ठीक है डाईटम्स को दो क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया पहला है क्रिप्टोफाइसी और नेक्स्ट है क्रिप्टोमोने मोनेडेल्स नेक्स्ट डिवीजन है हमारा रोडोफाइटा रोडो, रोडो मीन्स होता है रेड पिगमेंट और फाइटा मीन्स होता है प्लांट तो ऐसे जितने भी एल्गी हैं जो रेड कलर के हैं या रेड एल्गी उन्हें हम रोडोफाइटा के नाम से जानते हैं लास्ट है यूग्लिनोफाइटा जिसे यूग्लिनोइड्स जनरल नेम से बुलाते हैं और इसको दो क्लास में फर्दर डिवाइड किया गया था यूगलिनो और यूगली ने ठीक है तो ये था आपका जनरल सा क्लासिफिकेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम्स में अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीन ले सकते हैं और अगर आप पी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आपको पी मिल जाएगा नेक्स्ट है ये टेबल है जिसमें आपको डीपली जितनी भी क्वेश्चन आपके एलगी से बनते हैं ऑर्डर से या डिवीजन से बनते हैं यहीं पे आपको सबकी आंसर्स मिल जाएंगे तो बहुत कौन वे में ये चार्ट आप सभी के लिए बनाया गया है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि तो है, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो यानी कि जो स्टोर्ड प्रोडक्ट्स हैं ठीक है सेल वॉल के कंपोनेंट है एलगी की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है कौन से डिवीजन में डिवाइडेड है ये सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे ठीक है तो ये चार्ट अगर आपने लर्न कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए ठीक है तो चलिए छोटे <coughs> छोटे जो क्लास हैं पहले उनके बारे में सॉरी डिविजन्स हैं पहले एक एक करके उनके बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर हम देखेंगे किस तरीके से कौन सी चीज़ें हैं जो इसके साथ में एसोसिएटेड हैं तो पहले बात करते हैं हम ग्रीन एल्गी ग्रीन एल्गी जैसा कि नाम ही है ग्रीन तो ग्रीन कलर किस वजह से होता है आप सभी को पता होगा कि क्लोरोप्ला क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन और इसी के कारण जो पौधे हैं या जो एल्गी हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं तो ये जो डिवीजन है जिनके एल्गी में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उन्हें हम क्लोरोफाइको क्लोरोफाइकोटा कहा कहते हैं ठीक है तो इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफाइकोटा का वो यूनीलुलर होते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं ब्रांच्ड होते हैं अनब्रांच भी होते हैं फिलामेंटस होते हैं पैरनकाइमेटस और सिफोनेशियस होते हैं अभी सारी चीज़ें क्या हैं यही चीज़ हमने समझने के लिए आप आपके लिए बिल्कुल आसानी की थी कि सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर समझ लिया था एलगी का यानी सिफोनेशियस क्या होता है पैरेंटेटिस क्या होता है फिलामेंटस क्या होता है तो सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी काफ़ी ब्रॉड वे में क्योंकि ये जो जो टफ़ चीज़ें हैं गाइस उसको समझने के लिए आपको पहले बेस क्लियर होना चाहिए ठीक है तो हमने पहले बेस क्लियर किया बिल्कुल जो जो बेसिक चीज़ें थी वहाँ से हमने स्टार्ट की थी क्लास अपनी एलगी की तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ा होगा आपको समझ में आ गया होगा कि सिफोनेशियस एलगी क्या है मगर फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐड हुए हैं या जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट ठीक है या रिकॉ आप रिकॉल कह सकते हैं रिकॉलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट तो शिफोनीस एलगी वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता जिनकी बॉडी में जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की तरह डिवाइड होती है कुछ उस टाइप का ठीक है और यहाँ पे सेप्टा मीन्स कोई भी सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन नहीं दिखाई देगी ये ये इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा और यहाँ कई सारे न्यूक्लियस हैं वो पाए जाते हैं ठीक है और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है सीनोसिटिक कंडीशन ठीक है तो ये है सिफोनिश एल्गी जबकि पैरेंट्रमेटिस मीन्स होता है किसी भी एक सेल का प्रोलीफरेशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कुछ इस टाइप से ठीक है और ये आगे चल के कई सारे ब्रांचेस को जन्म देता है और यही कहलाता है ये आपको बैटरे का उस फॉरम के कंडीशन में दिखाई देता ठीक है तो हा आपको इतना क्लियर हुआ होगा गाइस चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट है अगर इनकी सेल वॉल कंपोनेंट के बारे में बात करी जाए तो इनकी सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है ग्रीन एल्गी का वो है सेलुरोस ठीक है अगर इनमें क्लोरोफिल की बात करी जाए या पिगमेंट की बात करी जाए तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैज़ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्लोरोफिल ए जो है वो सभी में पाया जाता है यानी जितने भी टाइप्स के एल्गी होते हैं सभी में लेकिन क्लोरोफिल बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ दो क्लासेस में पाया जाता है ठीक है दो डिविजन्स में पाया जाता है एक यूग्लिनोफाइटा और दूसरा है क्लोरोफाइकोटा ठीक है तो गैस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो क्लोरोफिल ए है वो सभी में पाया जाता है ठीक है तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन वो कंपोनेंट है वो पिगमेंट है जो आपके क्लोरोफाइट क्लोरोफाइसी में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम बाइल पिगमेंट की तो बाइल पिगमेंट इसमें कोई पाया नहीं जाता स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें तो जो एल्गीज़ होते हैं क्लोरोफाइटी क्लोरोफाइसी uh, वो अपनी बॉडी में uh, जो फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च और ऑयल्स के रूप में स्टोर करके रखते हैं ठीक है तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफाइसी फैमिली में मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड फिलामेंटस पैरेंकाटस और सिफोनेशियस ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सेल्वोल Cell सेलुलोज की बनी होती है पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन और स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है स्टार्च और ऑयल ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं येलो ग्रीन एलगी येलो ग्रीन एलगी जिन्हें हम जेंथोफाइकोटा भी कहा कहते हैं ठीक है जेंथोफाइकोफाइटा ठीक तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर और सीनोसेटिक सीनोसेटिक हमने बात करी थी जहाँ पे न्यूक्लियस मूवेबल होता है ठीक है पूरी बॉडी के अंदर एलगी के जब वो मूव करता है फ्रीली क्योंकि वहाँ पे सेप्टा एबसेंट होता है ठीक है तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी सीनोसिटिक यहाँ पे ब्रांच एल्गी भी होते हैं फिलामेंटस भी पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है इनमें जो सेल वॉल होती है वो पैक्टीन की बनी होती है ठीक है पैक्टीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आउटर लेयर को ठीक है जो कि आपके प्लांट्स में कई कई बार देखे जाते हैं नेक्स्ट है जो इनमें पिगमेंट हैं जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं येलो ग्रीन वो होते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स क्योंकि जेंथोफा फाइकोफाइटा है तो यहाँ पे मेन पेगमेंट जेंथो फाइफिल्स ही होंगे आपको ये ध्यान में रखना है अच्छा एक चीज़ और गाइस कि आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं ये क्लोरोफिल ए से लेके पूरे ई तक पाए जाते हैं ठीक है A, B, C, D, e, ए बी सी डी ई यानी पूरे ई टाइप के होते हैं क्लोरोफिल्स ठीक है चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो होता है क्राइसोल क्राइसोलैमिनेरियन ऑयल ठीक है क्राइसो क्राइसोलैमिनेरियन ऑयल तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये आपको ध्यान में रखना है फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपकी एग्जाम से पूछा जाए कि येलो ग्रीन एल्गी में कौन सा स्टोर्ड फूड मटेरियल पाया जाता है तो वो है क्राइसोलैमिनेरियन ठीक है ऑयल नेक्स्ट पे आते हैं डाई जिसे हम बेसिलेरियो फाइकोटा कहा कहते के नाम से जानते हैं तो बेसिलेरियो फाइकोफाइटा डाईटम्स के नाम से जनरली जाने जाते हैं ठीक है इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है यूनीसेलुलर होते हैं और गाइज ये पूरी जो पूरी जो फैमिली होती है यूनी एलगी की उनमें सिर्फ यही एक डिवीजन है जो कि यूनिसेलुलर पाया जाता है यहाँ पे कोई भी मल्टी सेलुलर एलगी नहीं देखने को मिलेगी इनकी जो आउटर लेयर है आउटर सेल वॉल है वो पैक्टिन की सब्सटेंस की बनी होती है और सिलिका की बनी होती है ठीक है इनमें जो स्टोर इनमें जो पिगमेंट होता है जिसकी कलर इनका जो इनका कलर है वो दिखाई देता है थोड़ा सा ब्राउनिश और ग्रीनिश या ब्लूइश तो वो होता है क्लोरोफिल ए के कारण क्लोरोफिल सी बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन ठीक है इनके अंदर जो स्टूड स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो क्राइसोलैमिनेरन ऑयल जो कि आपके येलो ग्रीन एल्गी में पाया जा रहा था वही यहाँ पे पाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी तो जिसे ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइकोटा की क्लास में रखते हैं फियोफाइकोफाइटा ठीक है तो जो फीओ डिवीजन के एल्गी है उन्हें हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर मार्फोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स थैलस होता है इनका ठीक है कॉम्प्लेक्स मतलब इनमें स्टेम भी होते हैं लीफ भी होती है काफ़ी पत्ती नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है ठीक है और इनके इनके जो सेल वॉल होती है उनमें मेन कंपोनेंट होता है सेलुलोज और एलिजिनिक एसिड का ठीक सेलुलोज और एलिजिनिक एसिड इनकी सेल वॉल में पाया जाता है पिगमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन होते हैं इनके मेन कंपोनेंट फ्यूकोजेंथिन जो इन्हें ब्राउनिश कंपोनेंट ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करता है ठीक है नेक्स्ट है स्टोर्ड फूड मटेरियल तो जो फ्यूफाइसी फैमिली है उसके अंदर लेमनेरियन ऑयल सोल्यूबर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं एज अ स्टोर्ड फूड मटीरियल ठीक है चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट है रेड एल्गी जिसे हम रोडोफाइकोफाइटा के डिविजन के जनरल नाम से जानते हैं यानी कि अगर रोडो फाइकोफाइटा कहा जाए जनरली तो जनरल नेम है उसका रेड एल्गी ठीक है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो मल्टी सेलुलर सिंपल और सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो थैलस है इनका वो पाया जाता है इनके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है ठीक सेलुलोज की इनकी सेल वॉल बनी होती है जो क्लोरोफिल जो इनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी बीटा कैरेटीन और जियोजेंथिन पाया जाता है जियो जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये किस में पाया जाता है इसके अलावा एक और प्लांट है आपका मक्का ठीक है मक्का में जो प्रोटीन होता है उसमें जीन जीन प्रोटीन होता है और इसी के कारण इसे जो जियोजेंथिन है यहाँ पे भी पाया जाता है तो इसे आप वहाँ से भी रिजेंबल करके याद कर सकते हैं ठीक है इनमें बाइल पिगमेंट पाया जाता है जिसे फाइकोसाइनिन कहा जाता है साइनिन आपका कलर ब्लू को डिनोट करता है ठीक है और फाइको आ पाया जाता है बाइल पिगमेंट ठीक है और इनके इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड या स्टोर्ड प्रोडक्ट होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपके रेलवेज में भी पूछे जाते हैं ठीक है तो रेड एलगी में जो स्टोर्ड प्रोडक्ट होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च ऑयल ठीक नेक्स्ट ये बात करते हैं हम तो नेक्स्ट है गोल्डन ब्राउन एलगी गोल्डन ब्राउन एलगी जो जनरल नाम है वो हम बुलाते हैं किस डिविजन को क्राइसोफाइकोफाइटा तो क्राइसोफाइकोफाइटा गोल्डन ब्राउन एल्गी को कहा जाता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इनका स्ट्रक्चर होता है यूनि सेलुलर सेल विदाउट सेल वॉल यानी इनका जो बॉडी होती है वो फ्लाजिलेटेड होती है लेकिन यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना क्योंकि अभी तक आपने जितने भी एल्गी अभी पढ़े उन सभी में सेल वॉल पाई जा रही थी लेकिन क्राइसोफाइकोफाइटा में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती क्राइसोफाइकोफाइटा मीन्स क्रायो मीन्स होता है लो टेम्परेचर ठीक है जो नेगेटिव में टेम्परेचर जहाँ पे होता है ऐसी जगहों पर जो एल्गी पाए जाते है, उन्हें हैं उन्हें हम क्राइसोफाइकोफाइटा कहते हैं यानी कि लो टेम्परेचर वाले लो टेम्परेचर बियरिंग एल्गी नेक्स्ट है इनके अंदर जो इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती इसलिए यहाँ पे कोई भी पिगमेंट सेल वॉल का सेल वॉल में कोई कंपोनेंट का सवाल ही नहीं इसलिए यह ब्लैंक है ठीक है नेक्स्ट है इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है जो इन्हें कलर प्रोवाइड करता है वो होता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी फ्यूकोजेंथिन और ल्यूटिन ठीक है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी फ्यूकोजेंथिन और ल्यूटिन पाया जाता है किसमें क्राइसोफाइकोफाइटा में ठीक है बाइल पिगमेंट इनमें नहीं होता और जो स्टोर्ड प्रोडक्ट होता है वो है क्राइसोलैमेरिन ऑयल अच्छा अब यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जो एल्गीज हैं उनमें क्राइसो क्राइसो लैमनेरियन ऑयल पाया जा रहा था तो वो है येलो ग्रीन एल्गी, डाई और नेक्स्ट है आपका गोल्डन ब्राउन एल्गी ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है आपका यूग्लिनॉइड फ्लैजेनेट्स जिसे आप जिसे जिस डिवीज़न में आता है उसे हम यूगलिनो फाइकोफाइटा कहते हैं तो यूग्लिनो फाइकोफाइटा को जो जनरल नाम है उन्हें आप यूग्लिनॉइड eug, फ्लैजेलेट्स कह सकते हैं तो इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनीसेलुलर होता है फ्लाजिलेटेड सेल से हो से बना होता है और इनके अंदर जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती ठीक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद जो है ये जो तीन आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन एलगी यूग्लिनॉयड फ्लाजिलेट्स और क्रिप्टोमोनेडिल्स इन सभी के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर जो कंपोनेंट पाया जाता है वो है सॉरी इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता इसलिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं होता ठीक है अच्छा अब पिगमेंट कौन सा पाया जाता है जो इन्हें कलर प्रोवाइड करता है तो वो है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल्स नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट नहीं होता और स्टोर्ड फूड मटेरियल इनका होता है पैरामाइलम ऑयल ठीक है लास्ट है सॉरी सेकेंड लास्ट है क्रिप्टोमोनेडल्स जिन्हें हम क्रिप्टो फैको फाइटा में रखे रखते हैं ठीक है तो क्रिप्टो फैकोफाइटा फाइट, जो है उसको हम जनरल एक नेम से बुलाते हैं जो होता है क्रिप्टोमोनेटेल्स ठीक इनका स्ट्रक्चर होता है यूनीसेलुलर फ्लैजिलेटेड सेल्स वेंट्रली फ्लैट विद और विदाउट सेल वॉल। इनके पास सेल भी होती है और नहीं भी पाए जाती है कुछ केसेस में अगर सेल वॉल होती है तो इनमें कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं सेलुलोज Uh, और जब भी सेलुलोज uh, गाइज uh, ये कौन सा कंपोनेंट है आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं सभी के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है क्योंकि सेलुलोज सेलुलोज uh, जो होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है ऐसा क्यों ज़रूरी है गाइज प्लांट्स को क्योंकि हम इंसान जब भी बहुत ज़्यादा धूप धूप होती है टेम्परेचर बढ़ता है सर्दी बढ़ती है तो हम अपनी बॉडी को मूव करवा सकते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं करवा सकते वो तेज़ धूप में भी वहीं खड़े रहते हैं उन्हें वो भी झेलना है और बारिश भी तो इस कारण क्या होता है उनकी बॉडी की जो आउटर लेयर है यानी कि जो सेल वॉल है उसके सेल वॉल सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है ठीक नेक्स्ट से इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वह है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी और एलोजेंथिन ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है बाइल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है वो है फाइकोसाइनिन और फाइकोअरेथ्रिन फाइकोसाइनिन ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है और फाइकोवरेथ्रिन रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है स्टोर्ड फूड मटेरियल है इनके अंदर स्टार्च और ऑयल्स ठीक लास्ट है डायनोफ्लाजिलेट्स और इन्हें हम जिस डिवीजन में रखते हैं वो है पायरोफाइकोफाइटा ठीक इनकी जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो कैसा है इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलुलर मोटाइल फ्लैजिलेटेड या फ्लाजिला इंसर्टेड इन एन इक्वेटोरियल गर्डल नेकेड और विद सेल वॉल यानी जो डायनोफ्लेजिलेट्स है इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता इसलिए हम इसको थोड़े से हमें ख़त्म करते हैं ठीक है इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज़ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं और जो सेल को कवर करके रखते हैं इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी और डाइनोजेंथिन और पैरिडिन ठीक लास्ट है इनके अंदर जो स्टोर्ड प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टार्च या फिर ऑयल तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी ठीक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी चलिए आगे बढ़ते हैं ये गाइज काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी डीप में इन चीज़ों को आप देख सकते हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीन स्क्री, भी ले सकते हैं ठीक है और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे साइनोफाइसी क्लोरोफाइसी बेसिलेरियोफाइसी फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है ठीक है और ये है जो टैबलेट जो टेबल है आपका वो फर्दर और ज़्यादा यहाँ पर आई है जिसमें हमने न्यूक्लियस स्पॉट पैरिनोइड बॉडी रिजर्व फूड मटेरियल और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी है ठीक है और ये है एल्गी का क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था थैलस के बारे में सेल स्ट्रक्चर के बारे में सेल वॉल और फ्लैजिला के बारे में ठीक तो जो चीज़ें हमने पिछली टेबल में स्किप कर दी थी या जो नहीं प्रेजेंट थी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ठीक साइनोफाइसी साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है और ये फ्रेश वाटर या फिर मराइन या फिर टेरेस्ट्रियल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं जबकि क्लोरोफाइसी जो जो होती है ग्रीन एल्गी वो फ्रेश वाटर और मराइन और टेरेस्ट्रियल सारे एरियाज में एग्जिस्ट करती है बेसिलेरियोफाइसी ये फ्रेश वाटर मराइन और टेरेस्ट्रियल सब में एग्जिस्ट करता है और फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी ये सिर्फ फ्रेश वाटर या फिर रुके हुए पानी में एग्जिस्ट करता है जैसे कि तालाब ठीक रोडोफाइसी टेरिस्ट्रियल और मराइन दोनों में एग्जिस्ट करते हैं थैलेस uh, के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ हम छोटा सा जो है वो रिकैप कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है रिकैप करना और रिविज़न करना ऑलवेज़ हेल्पफुल होता है हम सभी के लिए ठीक है जिस स्टेज में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि एक चीज़ को अगर आप नई चीज़ को कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं कुछ समय बाद तो वो चीज़ रिविज़न से ख़त्म हो सकती है ठीक है सेल वॉल के कंपोनेंट के बारे में हमने भी बात की थी फ्लाजिला भी बात की थी तो फ्लाजिला अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो साइनोफाइसी में जो है सेल वो मोटाइल होती है एक मोटाइल तो होती है लेकिन फ्लाजिला नहीं पाया जाता ठीक है सॉरी जो साइनोफाइसी है उनकी जो सेल है उनके स्ट्रक्चर में फ्लाजिला नहीं पाया जाता और इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है गाइस क्लोरोफाइसी तो क्लोरोफाइसी में दो से चार फ्लैजिला पाए जाते हैं या दो से चार से ज्यादा भी हो सकते हैं बिसलेरियोफाइसी में एक या दो फ्लैजिला पाए जाते हैं इंटीरियरली इंसर्टेड ठीक यानी से अंदर की तरफ और फ्यूफाइसी में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं साइड में अटैच्ड होते हैं ठीक नेक्स्ट है रोडोफाइसी रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं पाया जाता और मोटाइल सेल्स एबसेंट होती हैं ठीक है थीक? न्यूक्लियस की बात करें तो क्लोरोफाइसी में जो न्यूक्लियस होता है वो एबसेंट होता है और डीएनए एसोसिएटेड नहीं होता है स्टोन प्रोटीन्स के साथ में ठीक है क्लोरोफाइसी जो होती है उसमें भी न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज होता है वेल well, और क्रोमोजोम जो होते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं बेसिलेरियोफाइसी में क्लोरोफाइसी की तरह ही होता है और उनमें भी जो न्यूक्लियस है वो सेपरेटली uh, एग्जिस्ट करता है ठीक है आई स्पॉट क्या होता है चलिए देखते हैं आपने ये जो मान लीजिए क्लेमाइडोमॉन्स का एक स्ट्रक्चर है ठीक है और इसके बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन पे फ्लाजिला प्रेजेंट होता है फ्लाजिला के ठीक नीचे कुछ इस टाइप का आई टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं आई स्पॉट कुछ इस टाइप का ठीक आई स्पॉट का फंक्शन क्या होता है जितने भी एल्गी जब मूव करते हैं तो ये सब लाइट सेंसिटिव होते हैं क्योंकि एल्गी को लाइट से दूर जाने की है जो हैबिट है तो आ, ये जो आई स्पॉट होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं और लाइट से आ, जो है वो एलगे को दूर लेके जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है गाइस आई स्पॉट जो होते हैं साइनोफाइसी में एब्सेंट होते हैं और क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट के साथ में अटैच होते हैं बेसिलेरियोफाइसी में एबसेंट होते हैं और फीओफाइसी में मेल गैमेट्स में आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं लेकिन फीमेल गैमेट में एबसेंट होते हैं रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है आई स्पॉट ठीक पायरिनॉइड बॉडी ये क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए तो पायरीनोइड एक आ, स्टार्च को स्टोर करने की एक ऑर्गनिल और, होती है कुछ इस टाइप की होती है कई सारी जो आ, जो एल्गीज़ होते हैं ठीक है उनमें सिर्फ ऐसे सर्कुलर प्रेजेंट होती है लेकिन कई सारे जो यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आ, स्टार्च की पॉलीसेकेराइड की कुछ ऐसे प्लेट्स होती हैं जो पायरिनॉइड बॉडी के किनारे प्रेजेंट होती हैं ठीक है आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको वॉट इज़ पायरिनइड बॉडी तो क्लोरोफाइसी के अंदर सॉरी साइनोफाइसी के अंदर एबसेंट होता है पायरिनोइड बॉडी लेकिन क्लोरोफाइसी में सिंगल और कंपाउंड कोई भी प्रेजेंट हो सकता है और ये सरफेस के अंदर एम्बेडेड होती है क्लोरो क्लोरोप्लास्ट की सरफेस पे चिपकी होती है ठीक है स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्लावर फ्लावरनोभा अभी हमने डिस्कस किया था ठीक है बेसिलेरोफाइसी के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप के पायरिनॉयड पाए जाते हैं सिंपल मीन्स वॉट एक सिर्फ गोलाकार लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है फुल टाइप का स्ट्रक्चर ठीक पी ओ फाइसी के अंदर सिंगल और स्टॉक्ड और प्रोजेक्टेड सॉरी सिंगल होते हैं और स्टॉक के द्वारा प्रेजेंट होते हैं स्टॉक मीन्स होता है डंठल ये जो आपकी पायरिनोइड बॉडी है ठीक है जब ये किसी स्टॉक के द्वारा डंठल के द्वारा अटैच होती है ठीक साइटो के अंदर तैयार रही होती है तो इसे कहा जाता है क्या स्टॉक्ड और प्रोजेक्टेड ठीक है लास्ट है जो लास्ट जो डिविजन है हमारा वो है रोडोफाइसी फैमिली है तो इसमें जो है सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप के होते हैं पायरिनोइड बॉडी ठीक चल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं गाइस तो रिप्रोडक्शन जो होता है साइनोफाइसी में वो होता है मल्टी सेलुलर जो मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे होती है वो ए सेक्शुअल मैथड से होती है और सेक्शुअल मैथड से भी होती है बाई जूज ठीक है क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होता है ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाई आइसोगेमस आइसोगेमस और ओ गैमस ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम हे के कैलग्री के बारे में यानी कि क्लेमेडम नॉस्टॉक वो वॉल वॉक्स के बारे में जब बॉडी का स्ट्रक्चर और भी डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा डाउट है जो आपको परेशान करता तो है तो आप कमेंट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ठीक है बेसिली रियोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव मीन से होता है सेक्शुअल भी होता है और एसेक्शुअल भी होता है बाई आइसो एन आइसो और ओ गैमस टाइप ठीक फ्यूफाइसी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होता है फ्रेगमेंटेशन बाई बाई फ्रेगमेंटेशन एडवेंटेशस ब्रांचेस और एसेक्शुअल भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है बाई मोटाइल एंड ए प्लानो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता भी है और वो आइसो एन आइसो और ओ गैमस टाइप से होता है ठीक रोडोफाइसी में सबसे कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ये रिप्रोडक्शन इसके अंदर ठीक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया है एलगी का ठीक अगर क्लोरोफाइसी के बाद कोई ब्रॉड फैमिली देखे तो वो है रोडोफाइसी ठीक तो रोडोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है वेजिटेटिवली होता है बाई सेल डिविजन और फ्रेगमेंटेशन ठीक ये सेक्सुअली होता है बाई मोनोस्पोर्ट्स और न्यूट्रल स्पोर्ट्स और डेट्रास्पोर्ट्स और कार्पोरोपोर्ट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है बाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड ओगेमस कंडीशन ठीक है तो गाइज ये तो हमने देखा क्लासिफिकेशन के बारे में अब तीन जो क्लासेस हैं वो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़नी है अभी हमने देखा काफ़ी डीप में पढ़ा हर स्ट्रक्चर आपने स्क्रीन भी लिया होगा ठीक है पी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगा लेकिन तीन जो है क्लासेस वो आपको पढ़नी ही पड़नी है ठीक है आप सारी चीज़ें स्किप कर दीजिए इट इज़ ओके आप एक दो नंबर गवाएंगे पर अगर आपने यहाँ से ये तीन क्लासेस गवा दी यानी कि क्लोरोफाइसी फीओफाइसी और रोडोफाइसी तो आपने काफ़ी सारे जो नंबर हैं वो एल्गी में से स्किप कर दिए ठीक तो इन तीनों का आपको पढ़ना है क्लोरोफाइसी एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं ग्रीन एल्गी को कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एग्जाम्पल्स है इसके क्लोरो क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगायरा और कैरा ठीक है दूसरा है फियोफाइसी जिसके अंदर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है और इसे ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं स्पेशली ये बेसिकली मेराइन होता है और इनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए सी होता है और कैरिटिनइड भी पाया जाता है और जेंथोफिल पिगमेंट होता है और फ्यो जो फ्यूकोजेंथिन है एक पिगमेंट जिसके द्वारा ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं फॉर एग्जाम्पल डिक्टियोटा और लैमिन और सॉर्गैसम लास्ट है रोडफाइसी जिसे रेड एलगी के नाम से जाना जाता है तो रेड एलगी इनका कलर रेड क्यों होता है बाय आर फाइको पिगमेंट ठीक इसका एग्जाम्पल है पॉरफाइरा ग्रेसिल एरिया और जेलिडिया ठीक तो गाइज़ ये यहाँ की वीडियो आज खत्म अभी ख़त्म होती है आज की वीडियो और आई होप आपने यहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सीखे होंगे और काफ़ी बोर भी हो गए होंगे आप क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी ठीक है तो गाइज़ बोर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि हमने काफ़ी जो वीडियो थी वो बेसिक से डिस्कस करी थी जिन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी पहले जो बॉटनी पढ़नी थी वो छोड़ दी थी तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो ठीक है और अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं पर वो इंसान क्या करे जो नए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो उनके लिए भी वीडियो इक्वली हेल्पफुल होनी चाहिए ना तो इसलिए हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस करते चलते हैं ठीक है अगर आपने वीडियो थोड़ा सा भी इंजॉय किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना क्योंकि ये वीडियो गाइस पीपीटी बनाने में वीडियो बनाने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रहा है तो बस एक लाइक दे दीजिएगा और एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त बाय